आप सभी को पहले परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तपोभूमि की तरफ से, हमारी सारी दादियों, मधुबन के सभी वरिष्ठ भ्राताओं की तरफ से आपको मधुबन की याद प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेंज योर वाइब्स, चेंज योर लाइफ। हम अपने वाइब्रेशन को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कैसे करना है उसके ऊपर आज पूरा हम बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले अपने माइंड को 1 मिनट के लिए चेक करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एकाग्र करेंगे अपने पूरे मन को। सिट रिलैक्स, सिट बैक, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, सेट योर कॉन्सेंट्रेशन पोस्चर। इस प्रकार से अपने कॉन्सेंट्रेशन पोस्चर को सेट कर लें। इंडेक्स फिंगर एंड थंब घुटने के ऊपर रख लेंगे एंड गहरी लंबी सांस लेंगे। और अपने माइंड को देखेंगे कि मेरे माइंड में अभी कौन से थॉट चल रहे हैं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड स्क्रीन, मन की स्क्रीन पर देखें कौन से थॉट मेरे मन की स्क्रीन पर चल रहे हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग, व्हाट एवर इट इज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड स्क्रीन। चेक करते रहें अगले 1 मिनट तक। ओके, सो मैं गैलरी मोड ओपन करता हूं और सभी से पूछना चाहूंगा, इफ यू कैन ऑन योर वीडियो, यू कैन, कौन किस किसने अपने माइंड के ऊपर जब कैच किया, माइंड के ऊपर फोकस किया, तो कौन से थॉट चल रहे थे? विच थॉट यू हैव फील दैट, कौन से थॉट चल रहे थे? जस्ट बताएंगे, चैट में बताएं या फिर अपने माइक को ऑन करके बता सकते हैं। जब अपने मन को आप कंसंट्रेट कर रहे थे, थॉट के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो कौन से थॉट चल रहे थे? नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ नहीं, ब्लैंक। 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। या तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो कोई थॉट नहीं होंगे, ब्लैंक होगा। क्या चल रहा था? ब्लैंक जी ब्लैंक जी। और बताइए, जो भी लाइव है अपना अपना रिव्यू बताएं। नो थॉट नो थॉट जी, रसिक जी ने कहा नो थॉट। ओके, सभी अपना रिव्यू जरूर बताएं, तो क्लियर होगा और भी। पॉजिटिव था ब्रदर। पॉजिटिव थॉट, ओके गुड। और बताएं, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते रहते हैं, दोनों चल रहे हैं जी। और भी बताएं, सभी सभी अपना रिव्यू पॉजिटिव। जरूर, हाँ पॉजिटिव, जी ओके पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके। तो जैसे ही माइंड माइंड की स्क्रीन है,
माइंड इज लाइक अ मॉनिटर राइट, इंटेलेक्ट इज लाइक अ वीडियो कैमरा. जैसे ही आपने अपने माइंड की स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको एक अवेयरनेस आई, आपने चेक किया कि क्या चल रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव. कुछ एंजल्स ने कहा कि ब्लैंक था, कुछ भी नहीं चल रहा था, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है और पॉजिटिव की भी बहुत अच्छी स्थिति है. गुड. माइंड कैसे काम करता है? माइंड काम करता है एक बच्चे के जैसा. बच्चे को यदि आपने बताया नहीं कि क्या करना है तो बच्चा कुछ भी करेगा, कभी यहां जाएगा कभी वहां जाएगा, ही विल वांडर हियर एंड देयर राइट. बट उसको बता दिया गया कि आपको आज का एक सेशन अटेंड करना है, ये सेमिनार जो हो रहा है इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके लाइफ का यू टर्न आ सकता है, आप सफलता पा सकते हैं. तो बच्चा शांत बैठेगा, उसके मम्मी पापा यदि उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छे से शांत बैठेगा. इसी प्रकार हमारा जो माइंड है वो बच्चे के तरीके से है, यदि हमने उसको बताया ही नहीं क्या करना तो वो कुछ भी करेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी इंडिया के बारे में सोचेगा, कभी कैलिफोर्निया के बारे में सोचेगा, कभी जॉब के बारे में सोचेगा, कभी रिलेटिव के बारे में सोचेगा, कभी ओवर थिंकिंग करेगा, कभी पास्ट का चिंतन करेगा, कभी फ्यूचर का चिंतन करेगा, कभी स्ट्रेस का चिंतन करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मोड में वो चला जाएगा. पर उसको बता दिया गया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो बच्चा माइंड का बच्चा, जो माइंड मन रूपी बच्चा है माइंड, तो वो बहुत अच्छे से आपकी बात मानेगा. तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को बच्चा बनाकर आपको अपने माइंड को दोस्त बनाना, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड. जब तक हम अपने माइंड को दोस्त नहीं बनाएंगे तब तक हमारा माइंड हमारी बात नहीं मानेगा. यदि हमारा माइंड हमारी बात मानता है तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और हम हमारे माइंड जो है हम माइंड की बात मानते हैं या माइंड हमें बात मनवाता है, माइंड हमें कंट्रोल करता है, तो फिर हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो सबसे बड़ा एनिमी है. आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आज जितने भी नेगेटिविटी होती है, माइंड हमें कंट्रोल करता है. मैं इंडिया में कई बार जेल के प्रोग्राम में जाता हूं तो उनसे कैदियों से पूछता हूँ, प्रिजनर्स से पूछता हूँ कि आप कैसे आ गए, तो बोले कुछ नहीं सर, एक थॉट आया, मैंने एक कर्म कर दिया, ये भी कर्म, मुझसे गलत कर्म हो गया, मैंने किसी को मार दिया और उसके कारण मुझे पनिशमेंट के रूप में सजा मिली. जी, तो हुआ क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने उन्हें कंट्रोल किया. यदि हम विधि सीख जाएं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है तो हम अपने वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले पूरा जो धुरी है, जो बेस है, वो है हमारा माइंड. आज देखा जाए तो पूरा जो दुनिया है वो एम के ऊपर डिपेंड है, एम से रिलेटेड लेटर के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है. मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेडिकल, मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम, बट होल एम डिपेंड ऑन वन एम, इट इज माइंड. इट्स माइंड. और माइंड को जैसे कि वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड, वी आर चार्जिंग अवर कार एंड बाइक विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल विद चार्जर, बट वी आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड. सो माइंड को चार्ज करने के लिए जरूरत होती है मेडिटेशन की. विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी कैन चार्ज अवर माइंड, एंड वन मिनट विद द हेल्प ऑफ वन मिनट मेडिटेशन वी कैन चार्ज अवर माइंड फॉर वन आवर्स. एक मिनट के मेडिटेशन से हम अपने आप को एक घंटे तक चार्ज कर सकते हैं, राइट? सो अभी जैसे ही आपने अपने माइंड को चेक किया कि क्या चल रहा था, आपने फील किया कि क्या चल रहा था, अदरवाइज हम अपने माइंड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो या तो पास्ट की कोई बातें, या तो पास्ट की कोई बातें, या फ्यूचर की कोई बातें, या खुद के कोई ओवर थिंकिंग के थॉट, वो हमें ड्राइव करते हैं. हमें क्या करना है, जस्ट हर घंटे में एक टेक्निक यूज करनी है जिसका नाम है जैम. जैम, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. देखना है अपने मन को क्या चल रहा है मेरे मन में. जैसे ही आपने देखने का प्रयास किया, ऑटोमेटिकली थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी. और आपने यदि देखा नहीं तो थॉट की स्पीड बहुत ज्यादा चल रही है. सपोज कैलिफोर्निया में एक जो बहुत बिजिएस्ट स्क्वायर है, ट्रैफिक
एरिया है, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, राइट? इसी प्रकार हमारे माइंड में, यदि हमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, एक दिन में हमारे माइंड में लगभग 40,000 to 60,000 थॉट आते हैं हाईएस्ट, और उसके ऊपर जो आते हैं उसको कहते हैं मेंटल, जो जो मेंटल हो जाते हैं, जो 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 कहते हैं ना पागल हो गया, मैड हो गया, तो उसकी जो सेट 60,000 से ऊपर जो थॉट आते हैं, माइंड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन उनका डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर कुछ भी वो सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो डिसकनेक्टेड हो जाता है, वो बात नहीं मान रहा है ना, पूरे ऑर्गन्स का सिस्टम ब्रेन से माइंड से डिसकनेक्ट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा थॉट चल रहा है। सपोज हमारे हाथ दो हैं और 10 चीज पकड़ा दी जाए, वी कैन नॉट कीप ऑल द थिंग्स एट अ टाइम, राइट? सो व्हाट यू विल हैव टू डू, वी विल सेट वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग वन थॉट एट अ टाइम। तो हम एक समय में एक कार्य कर सकते हैं। अभी जो किसी ने जो कंसेप्ट लाया कि साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग इट इज गुड फॉर कंप्यूटर बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ, राइट? वो डिफरेंट है, ठीक है, सिस्टम के लिए ठीक है, वो सिस्टम है, कंप्यूटर है, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू गेट फुल रिजल्ट, तो हमें एक बार में एक चीज पर फोकस करना है। जैसे गाड़ियां आ रही हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है और पुलिस नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, और यदि हर घंटे हमने एक मिनट का जैम टेक्निक यूज नहीं किया, मेडिटेशन से अपने माइंड को स्लो डाउन नहीं किया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे 75% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, 75% डिजीज, जिसने बहुत ज्यादा, जैसे जो बहुत ज्यादा एंगर करता है, एंगर, जो बहुत ज्यादा एंगर करता है, उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो बहुत व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जेलसी, उसको अल्सर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है, उसको अंदर से यहां से स्पाइनल से रिलेटेड बीमारी होती है, सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें क्लियर बताया हुआ है कि कौन से थॉट से कौन सी बीमारियां हो रही है, कौन से पॉजिटिव थॉट से क्या ठीक हो सकता है, और कौन से नेगेटिव थॉट से क्या बीमारियां होती है। तो राजयोग मेडिटेशन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव थॉट, विद द हेल्प ऑफ दैट थॉट वी कैन हील अवर माइंड, वी कैन हील अवर बॉडी, वी कैन हील अवर ऑरा, एंड वी कैन रेडिएट पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन हील एनी अदर पीपल फ्रॉम हेयर, एंड कहीं से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, राइट? सो क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड को चेक करना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर समय मेरे मन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब वो कैसे डिपेंड होता है, पास्ट में जो है, पास्ट में कोई बातें हुई ना, पास्ट में कोई बातें हुई, आपके पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको बुरा कहा, किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, वो सारी फीलिंग्स है ना। तो मेरे साथ एक बार करेंगे सभी एक साथ लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे और मेरे साथ एक प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि भूतकाल सपना है, पास्ट इज ड्रीम, पास्ट इज ड्रीम, सपना है, पास्ट इज ड्रीम, भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना, अच्छा, भूतकाल सपना है, वो सपना है, ड्रीम है, प्रैक्टिकल में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इट इज नॉट एग्जिस्ट नाउ, इट इज इन पास्ट, और पास्ट अभी है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, दुनिया में कभी है ही नहीं, राइट? तो जो भी किसी ने आपको हर्ट किया, एक्सरसाइज करते रहेंगे, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको बुरा कहा, किसी ने आपको 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 दुख पहुंचाया, स्ट्रेस में लाया, तनाव में लाया, है ना, कुछ गिल्ट फीलिंग हुई, कुछ नेगेटिविटी हुई, कहां हुई, पास्ट में हुई, कहां हुई, पास्ट में हुई, बोलिए कहां हुई, पास्ट में, तो उसका पैन यहां क्यों है, उसका पैन यहां क्यों है, पूछिए अपने आप से, उसका पैन यहां क्यों है,
जो भी फीलिंग्स हुई, जो भी नेगेटिविटी हुई, जो भी थॉट आया, नेगेटिविटी आई है ना, किसी ने आपको हर्ट किया, दुख पहुंचाया, वो कहां पहुंचाया? पास्ट में पहुंचाया। पर उसकी फीलिंग, उसका दुख, उसका दर्द यहाँ क्यों है? पकड़ के रखा है। राइट, पकड़ के रखा। वो तो है ही नहीं, पास्ट तो है ही नहीं, और वो लोग भी नहीं है। कईयों ने तो शरीर भी छोड़ दिया, जिन्होंने कुछ कहा होगा वो इस दुनिया में है भी नहीं। राइट, बट हमने क्या किया, उसको पकड़ कर रखा। वी आर होल्डिंग अवर पास्ट थॉट, पास्ट फीलिंग्स, एवरीथिंग, और उसके कारण हमें पेन हो रहा है, उसके कारण हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण हमारे वाइब्रेशन हैप्पीनेस वाले नहीं हो पा रहे हैं। और उसको हमने जब पकड़ कर रखा है, तो वो फीलिंग, वो गिल्ट फीलिंग, वो नेगेटिविटी के कारण हमारे थॉट क्रिएट होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो ही थॉट हमें जो प्रभावित करता है, हमारे थॉट को प्रभावित करता है, और उसके प्रकार से हमारे वाइब्रेशन बन रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से पूछना है कि पास्ट इज पास्ट। क्या पूछना है? पास्ट इज पास्ट जो है वो है, सपना है, वो चला गया, वो प्रैक्टिकल में नहीं है। तो पास्ट की बातों को पकड़कर नहीं रखना है। यस और नो? नो। ओके, चलिए अभी हाथ सामने करिए, सभी हाथ सामने करिए, रेज योर है फुल ना, लंबा हाथ कर लेंगे ऐसे करके स्ट्रेट। एंड जो भी आपने अपने जीवन में, ब्रदर जस्ट डू दिस Like this, ना? Okay. जिसे आप कोई बात, कुछ चीजों को पकड़ कर रखते हैं, उस प्रकार से आप अपने हाथों को रखेंगे। Okay. अब आंखों को बंद कर लें, क्लोज योर आईज, और जो जो फीलिंग्स, जो जो बातें, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको बुरा कहा, किसी ने आपको कुछ बोला, वो सारी फीलिंग्स जो आपने मन में रखी है, वो निकाल निकाल कर एक सैक के तरीके से, एक बोरी के तरीके से, एक कंटेनर के तरीके से, जो अपने ब्लैक एनर्जी अपने माइंड में रखी है, उसको निकाल निकाल कर अपने हाथ में रखते जाएंगे। राइट, चलिए, जो भी ब्लैक एनर्जी, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपने माइंड में कीप करके रखी, स्टोर करके रखी है, किसी ने कुछ हर्ट किया, किसी ने आपको कुछ बोला, वो नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशन, जो भी आपने पकड़ कर रखा है अपने अंतःकरण में, सबकॉन्शियस माइंड में, उन सब थॉट को निकाल कर आप सोचिए, फिजिकली आप अपने राइट हैंड में रख रहे हैं। राइट हैंड लंबा करिए, सभी राइट हैंड लंबा करें, इफ पॉसिबल एवरीवन कैन ऑन द वीडियो, प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से इसको देख सकें। हाँ जी, सभी अपने नेगेटिव थॉट को माइक बंद रखेंगे, और अपने सब नेगेटिव थॉट जो भी आपने पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, जो भी मन में पकड़ कर रखा है, उसे राइट हैंड में रखते जाइए, लंबा रखते जाइए, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, एवरीथिंग। पास्ट की बातें अधिकतर हमने पास्ट की बातें और फ्यूचर की बातें रखी है पकड़कर, उसे हाथ में रखते जाइए। रखते जाए, सभी रखते जाए, हाथ में जो मन में जो पकड़ कर रखा उसे हाथ में निकाल कर ट्रांसफर करना है, हाथ में रखना है। राइट, लंबा करेंगे हाथ, स्ट्रेट फील करें। सब मैंने यहाँ रख दिया, सब रख दिया जी, सब रखते जाए, सब रखते, ये भी रख दिया। चलिए, मन से बोलकर जो जो पकड़ा है वो सब रखते रहेंगे। चलिए, सभी रखते हैं। अच्छा, आपके हाथ में पेन हो रहा है, पूछ रहा हूं मैं आपसे, राइट, बताइएगा, माइक चालू करेंगे, बताए, पेन हो रहा, हाथ एक हाथ लंबा है, हैवी हो रहा है, हाथ हैवी हो रहा है, सभी बताएं प्लीज, हाथ हैवी हो रहा है, यस हैवी हो रहा है, हो रहा है, हैवी हो रहा है, यस हैवी हो रहा है। नंदिता जी, हैवी हो रहा है नंदिता जी? नहीं, मेरा हैवी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक घंटे तक पकड़ कर रखेंगे तो हैवी होगा। दस दिन तक पकड़ कर रखेंगे तो हैवी होगा। 40 साल से पकड़ कर रखा है तो कितना हैवी हो गया, एकदम। राइट, तो हमने अभी, आप सोचिए, आप 5 मिनट में हैंड में आप फील कर पा रहे हैं वो पेन को, राइट, मसल पेन को फील कर पा रहे हैं,
पर माइंड में कितने दिनों से पकड़ कर रखा है वो चीजों को, तो कितना पेन हो रहा होगा माइंड में, फील करिए माइंड में कितने दिनों से पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, फुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, खुद के प्रति नेगेटिव थॉट, कितना हमने पकड़ कर रखा है, कितना नेगेटिव फील हो रहा होगा और कितना दर्द हो रहा होगा माइंड को। अब माइंड की लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो फील को हम समझ नहीं पाते हैं, और वो फील जो नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव पेन है, वो बीमारियों के रूप में बाहर आता है। फिर आएगा बाहर, कैसे आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, राइट, डॉक्टर कहेगा बाईपास कराना पड़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ब्रेन हेमरेज आ गया, क्यों आया, पकड़ कर रखा बातों को, वो ब्रेन हेमरेज हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि नर्व्स ब्लॉक हो गई, राइट। ऐसी कई प्रकार की डिजीज है, बीपी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बातों को पकड़ कर रखा, स्ट्रेस में है, थॉट की स्पीड बहुत बढ़ गई, वही वही ओवर थिंकिंग हो रही, उसके कारण हमारे वाइब्रेशन नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो साइकिल चल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग, वाइब्रेशन नेगेटिव, फिर वो वाइब्रेशन फिर अब्सॉर्ब, फिर नेगेटिव, फिर टोटल वाइब्रेशन चेंज, मतलब एक हम विशेष सर्कल, एक नेगेटिव, एक बैड सर्कल में हम फंस गए, तो क्या करना पड़ेगा, इफ यू वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम दैट सर्कल, वॉट यू विल हैव टू चेंज अवर थॉट पैटर्न, वंस वी चेंज अवर थॉट पैटर्न, we can overcome from this vicious and bad circle, right? So just feel करिए कितने negative हमने पकड़ कर रखा हुआ है, कितने दिनों से, अपने आप से पूछिए, सभी बताइए clear, कितने दिनों से पकड़ कर रखा है वो feelings को, सालों से पकड़ रखा है, कई सालों। देखिए मैं अक्सर इंडिया में और फॉरेन में भी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम करवाता हूँ, डॉक्टर्स आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है, बट डॉक्टर के माइंड में यदि प्रॉब्लम आए तो उसके लिए माइंड ट्रेनर और मेडिटेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, राइट। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर्स को भी हम ठीक करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम बताते हैं उनको अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, मेडिटेशन की, राजयोगा मेडिटेशन की और माइंड पावर की टेक्निक बताते हैं, राइट। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि अब डॉक्टर के सामने जैसे कोई भी बीमारियां हैं तो वो क्लियर बताते हैं, तो आप भी बताइए कितने दिनों से पकड़ कर रखा, सभी ने बताना है, राइट, चलिए बताइए, बहुत सालों से अपने अपने इयर्स बताइए, 2 साल, 5 साल, 6 साल, सभी बताइए, कम से कम 20 साल से पकड़ रखा, 20 साल जी, और बताएं सभी बताएं, मेरा भी 20 साल से पकड़ के रखा है, 20 से भी ज्यादा, बताइए, और हाथ पकड़ के भी रखिए, फील भी करिए और बताते भी जाइए। सुदेश बग्गा जी, सुदेश बग्गा जी तो 40-45 साल से कुछ बातें अभी भी याद आ जाती है, अच्छा जी, ओके, आगे सभी बोलेंगे, वीडियो ऑन, इफ यू आर एबल टू ऑन योर वीडियो देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने माइक को ऑन करके बताइए, जरूर बताइए भाई जी, 20 साल से, 20 इयर्स, 20, और बताएं, बताते रहें प्लीज, वीडियो ऑन करके, 10 साल से, सभी को बताना है, क्योंकि दिस इज द लेक्चर, दिस इज द वर्कशॉप, एंड यू कैन, if you will fully involve in this, you will feel the change in your life, right? चलिए बताइए, 10 साल से जी, बताएं और बताएं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में बताते हैं, बस करी सी पैसे लोनी है जी, एक बार माइक ऑन करके आप बताएं जरूर, बैठ कर जी, दस साल से, हाँ जी, बताएं और बताएं, और बाकी पकड़े रहे, 17 साल से, 17 साल से, हाँ जी, और बताएं, बाकी लोग भी बता रहे, सर मैं सच कहूँ तो पहले पकड़ के रखने का आदत था, पर हाँ। ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन करने का बाद रेगुलर वर्कशॉप करते करते ये आदत चले गए, इसीलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, राइट, अच्छा देखिए आपने, अब देखिए पकड़कर कौन रखता है बताइए, पकड़कर कौन रखता है, एक है, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइफ, एक है डंकी लाइफ, एक है एंजल लाइफ, एंजल क्या होता है, फ्री होता है फ्रॉम ऑल द बर्डन्स, और डंकी क्या करता है, बोझ उठाकर रखता है ना, और उसके ऊपर और बोझ रख दिया जाता है, और वो रखते जाता है और अपनी लाइफ को पूरा डाउन कर देता है, तो हम कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, डंकी वाला जीवन जीना चाहते हैं, एंजल वाला जीना चाहते हैं, बताइए, एंजल वाला जीवन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बातों को ऐसे पकड़ कर रखना है, फील हो रहा है दर्द, सबको फील हुआ दर्द, बोलिए, फील हो रहा है, फील हुआ, सबको फील हुआ दर्द, फील हो रहा है, अच्छा
इसको इसको हम दो घंटे तक पकड़ कर रखेंगे तो क्या होगा, हाथ में हो सकता पैरालिसिस आ जाए या हाथ ब्लॉक हो जाए, ठीक है, एंड फिर आपको प्लास्टर बांधना पड़े, है ना, नस ब्लॉक हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। माइंड में कितने दिनों से पकड़ कर रखा, सोचिए माइंड में क्या क्या ब्लॉक हो रहा होगा, इतनी सारी चीजें ब्लॉक हो रही होगी। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें छोड़ दे, अब हाथ को छोड़ दे, गिरा दे, हाँ अभी गिरा दीजिए, मन का हाथ को भी गिराना है, जैसे आपने पूछा ना अंदर से दर्द हो रहा है, एक बार ऐसे करके थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने हाथ को गिराया, आपने फील किया कि बहुत दर्द हो रहा है, अब जरूरत है इसे गिराने की, अदरवाइज हाथ में बहुत जबरदस्त स्ट्रेन आ जाएगा और हो सकता है कि प्लास्टर बांधना पड़े, राइट। इसी प्रकार मन के अंदर के थॉट को जो पकड़ कर रखा है उसे भगवान को समर्पित करना है, ईश्वर को समर्पित करना है, अदरवाइज वो बीमारियों का रूप ले लेगा, वो बीमारियों का रूप ले लेगा और हमारी लाइफ में हम हैप्पीनेस को, हम अपनी लाइफ में जो हेल्दी लाइफ अपनी चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं, सभी समझ पा रहे हैं कि हमें अपने माइंड में कोई भी थॉट को पकड़कर नहीं रखना है। उसका फीलिंग आपने देख लिया, हाथ में पकड़ने के बाद आपको कितना दर्द होता है, तो मन में कितना दर्द होता होगा, सभी फील कर पा रहे हैं जी। तो आज के सेशन से हम प्रॉमिस करें अपने आप से कि मुझे कोई भी बातों को पकड़कर नहीं रखना है, अपने लिए, राइट, अपने लिए, खुद के लिए, खुद के इमोशनल फिटनेस के लिए, इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बातों को पकड़कर नहीं रखना है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, इसमें बताया गया है कि ध्यान से देखिएगा, इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपने थॉट को पकड़ते हैं और थॉट को पकड़ने के बाद जो है वो नेगेटिव थॉट जो है हमें पूरे लाइफ में जो प्रॉब्लम लाता है, राइट, तो वो मैं एक बार, बाकी सभी अपने माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे। जी, तो एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हमें कोई भी बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, राइट, अपने आप से आंखों को बंद करके 10 times प्रॉमिस कर लीजिए कि मुझे कोई भी बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। और पकड़ कर रखते हैं तो क्या होता है, बहुत लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजों को हमने प्रैक्टिकल में देखा है जी। In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily and blood clots are... In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily and blood clots are more apt to form. इन्होंने क्या किया, पकड़ कर रखा बातों को, ठीक है, महिला ने बार बार स्ट्रेस को बातों को पकड़ कर रखा, फिर कोरोनरी आर्टरीज में क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी और फिर उसको स्ट्रेस आया, तनाव आया, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको फिर बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां से आई, जितना ज्यादा स्ट्रेस में, जितने ज्यादा बातों को पकड़ कर रखना, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, loneliness, negative thought, vicious circle, इस सारी चीजों को जब हम करते हैं, that's why हमारा heart में problem आ रही है, हमारे mind में problem आ रही है, brain में problem आ रही है, इस सब का reason है thought pattern। और thought change हो जाएगा तो vibration change हो जाएंगे, vibration change हो जाएगा तो life change हो जाएगी। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है
कि किसी व्यक्ति के पास जब जाते हैं आप, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पास मैं बैठा रहूं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत गुड फीलिंग हो रही है। और किसी किसी के पास ऐसा लगता है कि मैं कब उठकर चला जाऊं, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, ऐसा फील होता है। जी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो थॉट पैटर्न है, उसके जो थॉट है, जो बार बार वो थॉट क्रिएट कर रहा है, उससे सर्कल बन रहा है, उससे सर्कल बन रहा है, और उससे सर्कल से वो वाइब्रेशन एक ओहरा बन रहा है। तो उसका ओहरा जो है, उसके ओहरे में, उसके वाइब्रेशन में, उसकी फील्ड में आप जब जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक किया, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक इट इज अ बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, है ना, ब्लैक एनर्जी। तो जो थॉट नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट करते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में, किसी की लाइफ में हो जाता है, किसकी लाइफ में होता है, जो जिसकी बैटरी, माइंड की बैटरी लो है, जो जिसका खुद का पॉजिटिव सर्कल नहीं है, जो जिसका खुद का पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है, खुद नेगेटिव सोच रहा है, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट होगा ब्लैक मैजिक का। सो व्हाट विल हैव टू डू, वी कैन यूज व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक इज सकास, व्हाइट मैजिक इज पॉजिटिव वाइब्रेशन, व्हाइट मैजिक इज बाबा ब्लेसिंग, राइट। व्हेन वी यूज व्हाइट मैजिक, और जब हम परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर रिसीव करते हैं और बार बार मेडिटेशन से परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे चारों ओर एक ओहरा बन जाता है, एक वाइब्रेशन बन जाता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव, कोई भी व्यर्थ, कोई भी इविल इफेक्ट टच भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हम वो वाइब्रेशन से चार्ज हैं। और वंस हम चार्ज हो गए, तो हम किसी को भी चार्ज कर सकते हैं, हम किसी को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहां एक प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे थॉट का इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। हम यहां पर एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, सभी अलर्ट हो जाएं, आंखों को बंद कर लें। एज आई काउंट 9 to 1, फील योर सेल्फ, यू आर इन योर होम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फील करें, आप अपने घर में हैं, घर में किचन में हैं, फ्रिज को ओपन करेंगे, कुछ नींबू रखे हुए हैं, बहुत सुंदर नींबू है, उसकी सुगंध को राइट हैंड में लीजिए और उसकी सुगंध को महसूस करिए, स्मेल करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करिए, खट्टा सुगंध आ रहा है। अच्छा, एक कट करेंगे, अब उसे एक पार्ट को कट करेंगे और उसके 10 ड्रॉप्स को स्क्यूज करेंगे अपनी जीभ पर, 10 ड्रॉप्स स्क्यूज, 10 ड्रॉप्स को अपनी जीभ पर निचोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फील करते जाएं, उस खट्टे रस को फील करते जाएं, नींबू के खट्टे रस को फील करें, स्क्यूज इन योर टंग एंड फील द टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट, लेमन टेस्ट। वंस अगेन, कुछ इमलियां रखी हुई हैं, इमलियां, इमलियों को फील करेंगे, जीभ पर घुमाएं, बाहर निकालें, जीभ पर घुमाएंगे, बाहर निकालेंगे, जीभ पर घुमाएंगे, बाहर निकालेंगे, फील करेंगे। खट्टा रस महसूस करें पूरी जीभ में, टेस्ट को महसूस करें, फिर नींबू की 10 बूंद को टपकाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पूरी जीभ में घुमाएंगे खट्टे रस इमली के, अब उसके बाद में पानी पूरी बनी हुई है, पानी पूरी का पानी सिप सिप करके पीना है, खट्टा मसालेदार पानी सिप सिप करके पीजिए, 10 बार पीना है। एज आई काउंट 9 to 1, फील योर सेल्फ, यू आर हेयर एंड ओपन योर आईज। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओपन योर आईज।
किस किस ने फील किया कि जीव में पानी आ रहा है, खट्टापन आ रहा है, ठीक है, सलाइवा क्रिएट हो चुका है, किस किस ने फील किया, रेज योर हैंड, एवरीबडी एवरीबडी आर फीलिंग, एवरीबडी, सभी फील कर पा रहे हैं, ओके, बहुत अच्छा, सभी फील कर पा रहे हैं। और जो जो वीडियो ऑन नहीं किए वो चैट चैट में जरूर बताइए, कौन कौन फील कर पा रहे हैं कि जीभ में पानी आ रहा है, चैट में बताइए प्लीज, चैट में बताइए। और जो वीडियो जिनका वीडियो ऑन है तो वो अपने यहाँ पर भी बता सकते हैं माइक ऑन करके, किस किस को फील हुआ। जी सुदेश जी फील हुआ आपको, किला जी फील हुआ, हाँ जी फील हुआ जी, खट्टा पानी। ब्रदर ब्रदर फ्रॉम सैक्रामेंटो आप फील कर पा रहे हैं, लेमन टेस्ट, हाँ जी ब्रदर जी, हाँ जी। और मीना जी फील कर पा रहे हैं टेस्ट, हाँ जी ब्रदर जी। और एकता जी फील कर पाए, चलिए सभी फील कर पाए। रसिक जी फील कर पाए, या फील कर रहे हैं जी जी, ओके, पहले सभी मुंह में पानी आने लगा है, गुड जी जी जी। रेनू एंजल जी फील कर पा रहे हैं, हाँ जी ब्रदर जी जी, सभी फील कर पा रहे हैं, 90% सभी ने जिनसे ही पूछा गया है आप सब फील, सुरभि जी फील कर पा रहे हैं, हाँ जी ब्रदर, ग्रेट। तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे मेडिटेटर्स हैं, आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में अपने वाइब्रेशन को बहुत रेज कर सकते हैं, बहुत डिवाइन कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। क्यों, आप सोचिए नींबू कहाँ रखा है, आप यहां है, नींबू आपसे बहुत दूर है, जैसे ही आपने नींबू के बारे में सोचा तो आप लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट एनर्जी के थ्रू, टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू, माइंड के कम्युनिकेशन के थ्रू आप नींबू से कनेक्ट हो गए। अब नींबू की पावर क्या है, खट्टापन, क्या पावर है, खट्टापन, सोरनेस, राइट। तो आपने जैसे नींबू के बारे में सोचा वो पावर आपके जीभ में देखा ना, टेस्ट फील किया, तो आपने वो जीभ में आपको वो टेस्ट फील होने लगा। तो आपने क्या किया, आपने अभी नींबू के साथ मेडिटेशन किया, क्या किया, नींबू के साथ मेडिटेशन किया। जब नींबू के साथ मेडिटेशन में आपकी जीभ में पानी आ सकता है तो भगवान के साथ, सुप्रीम सोर के साथ मेडिटेशन करने में शक्ति आएगी नहीं आएगी, बताइए। यस यस, दिस इज एज सिंपल एज सिंपल, राइट, दिस इज एक जो सिंपल जो मेडिटेशन होता है बिल्कुल इजी मेडिटेशन है। यदि आपके जीव में पानी आ रहा है तो आपके माइंड में शक्तियां भी आ सकती है, आपका माइंड रिचार्ज भी हो सकता है, आप पावरफुल भी बन सकते हैं। इतना सिंपल है मेडिटेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट यू विल हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट एंड माइंड बोथ, राइट। इंटेलेक्ट का वर्क क्या है, देखना, इंटेलेक्ट वर्किंग लाइक वीडियो कैमरा, और माइंड कैसे काम करता है, टीवी स्क्रीन के जैसे काम करता है। जो बुद्धि इंटेलेक्ट वीडियो कैमरा जो देखता है वही माइंड की स्क्रीन पर आता है, राइट। सो क्या करना है, पॉजिटिव बातों को देखना है, वही माइंड की स्क्रीन पर आएगा, वही थॉट स्टोर होगा सबकॉन्शियस माइंड में, और वही फिर रिकॉल होगा, उसी के अनुसार मेमोरी बनेगी, उसी के अनुसार जीवन बनेगा, उसी के अनुसार वाइब्रेशन बनेंगे, क्लियर। तो देखना अच्छा है बुद्धि से, यदि हम बार बार पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे रिवेंज लूंगा, मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, आने दो उसको, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर वो जहर क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा होगा मीराबाई को क्या पिलाया गया था, जहर, और उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, है ना। दूसरी बात, सोलोमन आइलैंड में आदिवासियों को जब पेड़ों का हिस्सा कुछ काटना रहता है तो पेड़ों को काटते नहीं है, उन पेड़ों के पास जाते हैं और जी भर कर गालियां देते हैं, कोसते हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, पेड़ उन नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करता है और कुछ दिन के बाद अपने आप गिर जाते हैं। इतनी जबरदस्त एनर्जी हमारे थॉट पावर में, इतनी जबरदस्त एनर्जी। अभी आपने फील किया कि लेमन के बारे में, इमली के बारे में आपके जीव में पानी आ गया, तो कुछ नहीं करना है, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करना है, ऑटोमेटिकली आप चार्ज फील करेंगे, आप शक्तिशाली फील करेंगे, आप एनर्जाइज फील करेंगे, राइट। अब वो कैसे करना है,
बुद्धि के द्वारा देखना है, मन के द्वारा सोचना है। और आप इसको हर घंटे में एक बार इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है WCM, WCM, वॉच कैच मैच, WCM। अपने आप को देखें, सबसे पहले अपने माइंड को देखें, कहां है आपका माइंड। क्लोज योर आईज, स्ट्रेट योर स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट, वेयर इज योर माइंड नाउ। अपने आप से पूछें कि आपका माइंड अभी कहां है। सपोज आप आ जाएं, इंडिया आ जाएं, अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आप जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, सॉरी वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आप जा रहे हैं। अब आप अपने सबसे जीवन की सबसे खूबसूरत जगह वहां पर हैं, आप देखिए हमने आपको, और अपने माइंड से पूछे क्या अभी वहां जाने की जरूरत है। अपने आप से पूछिए, अब अपने आप को देखें कि आप वहां हैं, वॉच करें, कैच करें और परमात्मा में मैच करें। सबसे पहले अपने सेल्फ में मैच करें, आई एम सोल, आई एम ट्विंकलिंग स्टार, एंड देन परमात्मा में मैच करें। वॉच करना है कहां है, कैच करना है और परमात्मा में मैच करना है। वॉच कैच मैच, सोचिए कि आप कहीं अपने ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जॉब में हैं या कहीं और रिलेटिव के यहां हैं, आपका माइंड अभी वहां पर उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उसके बारे में थिंकिंग कर रहा है। अपने माइंड को वॉच करें, अच्छा वहां पर है अभी, अब वहां से कैच कर लीजिए, अभी वहां जरूरत नहीं है। वॉच करके पहले वॉच करें फिर कैच करें और देखें, आई एम अ ट्विंकलिंग स्टार, आई एम सोल, फिर परमात्मा की शक्ति आ रही है, मैच करें, फिर वॉच करें। आप कहीं रेलवे स्टेशन में हैं, पूछिए अपने आप से, रेलवे स्टेशन के बारे में सोचना अभी जरूरी है, नहीं, कैच करिए, मैच करिए। बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वॉच करें अपने आप को, नहीं अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, अभी मेडिटेशन करना है, क्लास चल रही है इंडिया से, शक्ति जी क्लास करा रहे हैं, अभी उसके बारे में सोचना है। वॉच कैच मैच, ओके। किस किस का माइंड कंट्रोल में हो रहा है, हाथ उठाएंगे, रेज योर हैंड। वॉच कैच मैच टेक्निक से कंट्रोल हो रहा है माइंड, हाथ उठाएं, रेज योर हैंड, सबका कंट्रोल हो रहा है। वॉच करना है कहाँ है, कैच करना है और मैच करना है, बहुत जी। वॉच कैच मैच मेडिटेशन में जब भी शुरुआत करें उसके पहले टेक्निक यूज करना है, वॉच करना है, कैच करना है, मैच करना है। अदरवाइज आप बैठ तो गए बट आपका माइंड, आप योर माइंड इज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, बट देन यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेडिटेशन। तो क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू विल हैव टू डू, पहले रिलैक्स बैठ जाए और फिर इस टेक्निक को यूज करें। वॉच कैच मैच, वॉच करना है कहाँ है, कैच करना है, मैच करना है, देन रिलैक्सेशन, देन रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड देन परमात्मा की एनर्जी को फील करना है। सभी को क्लियर हो गया, वॉच कैच मैच, ओके। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में आप जब बार बार ये टेक्निक यूज करेंगे, बार बार काउंटर थॉट, क्योंकि इतने दिनों से बैक लाइफ, आपकी पास्ट लाइफ में आपने, आपके थॉट का पैटर्न कैसा था, थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी, है ना, उसको चेंज करने के लिए बार बार काउंटर थॉट, पॉजिटिव काउंटर थॉट लगाना पड़ेगा, तब आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, तब आपकी मेंटेलिटी, अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज होगी। क्योंकि पहले की प्रोग्रामिंग की आदत है, पहले का प्रोग्राम अलग बना हुआ है, अब यू वांट टू इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको बार बार वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट, बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आदत नेगेटिव है तो चेंज करना पड़ेगा। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार चार बार में अपने आप वो थॉट पैटर्न चेंज हो जाएंगे। अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसे परमात्मा की हीलिंग रेस को अपने अंदर लेना है, कैसे वाइब्रेशन को अपने अंदर भरना है, इसको हम प्रॉपरली देखेंगे। सभी अलर्ट हो जाएं, टेंशन से बैठ जाएं। ओम
शांति। आइए चलें एक ऐसी मधुर शांति की दुनिया की ओर, जिसमें शीतलता है, निर्मलता है। अभी आप क्या करना है कि अब जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उसी प्रोसेस में परमात्मा की रेस को फील करना है, परमात्मा की शक्तियों को फील करना है और अपने अंदर उस परमात्मा की शक्तियों को अंदर अपने अंदर इमर्ज करना है, फील करना है, चार्जिंग को फील करना है। चलिए सभी तैयार हो जाएं। चलिए माइक बंद कर लेंगे सभी अपना, फील करेंगे कि मैं आई एम इन मेडिटेशन और परमात्मा सुप्रीम सोल की किरणें आ रही हैं बॉडी के ब्रेन को चार्ज करते हुए, पूरी बॉडी के एक एक सेल को रिचार्ज कर रही हैं, बॉडी के एक एक पार्ट को शक्तिशाली बना रही हैं, एम्पावर कर रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं, हील कर रही हैं, फील करें। किस किस को फील हो रहा है कि बहुत सुंदर रीति से मन चार्ज हुआ है, पूरी बॉडी हील हो रही है, फीलिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, मन शक्तिशाली हो रहा है, किस किस को फील हुआ है? रेज योर हैंड, हाथ उठाएंगे। कैसा अनुभव रहा आप अपना बताएंगे इस मेडिटेशन करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन का? लाइटनेस फील हुई बॉडी में, हल्कापन, मुझे शक्ति फील हुई अंदर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो काफी शक्ति फील हुई। बहुत अच्छा जी, आई फील द एनर्जी फ्लोइंग। अच्छा ग्रेट, बहुत अच्छा। इजी है, इज इट इजी? Yes. बहुत इजी है और कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल परमात्मा की सबसे पहले WCM यूज करना है, W वॉच करना है, अपने मन को कैच करना है और अपने सेल्फ में मैच करना है। आई एम सोल, आई एम ए ट्विंकलिंग स्टार बिटवीन टू आईब्रोज एंड आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी एंड देन उसके बाद में परमात्मा की हीलिंग रेज को लेना है अपने अंदर, पूरी बॉडी में, एथरिक बॉडी में, एक एक पार्ट। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन योर हार्ट देन फील द वाइब्रेशन इज कमिंग एंड योर feeling heart is healing, you can feel the heart is healing, right? Puri body mein aa raha hai, yeah. Puri body heal ho gayi, body mein kahin headache hai ya koi body mein koi ache hai, ban hai to wo bhi feel karenge, parmatma ki shakti aa rahi hai aur puri body ko heal kar rahi hai, aap feel karenge ki aapka dard bhi samapt ho raha hai, bahut powerful technique। ठीक है, तो इससे क्या करना है? अच्छा, दूसरी बात है कि हमसे हर समय वाइब्रेशन निकल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल करेंगे हम सभी, मैं एक बॉल आपको फेंकूंगा, आपने माइक ऑन कर लेंगे सभी। ओके, मैं एक बॉल फेंकूंगा आपके तरफ, एक वर्चुअल बॉल, राइट, और आपको वो बॉल रिटर्न करनी कलर के साथ में, कलर बोलना, जैसे मैं बोला व्हाइट फेंका मैंने, तो आपको वो एक्शन के साथ में वो फेंकना है मेरे तरफ, रिटर्न करना है। ठीक है, व्हाइट रिटर्न करेंगे, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट,
येलो व्हाइट जो कलर की बॉल फेंकूंगा वही फेंकना है अभी ठीक है कलर का जस्ट दिस इज द व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक येलो येलो ग्रीन ग्रीन पिंक ब्लू ब्लू नाउ हैप्पीनेस हैप्पीनेस पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव वाइब्रेशन जो भेजेंगे वही मिलेगा राइट अब आपने किसी ने आपके किसी आपने किसी के ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन दिए दुख दिया गुस्सा किया तो सामने वाले से क्या मिलेगा हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्सा किया तो वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी राइट बेलन और झाड़ू से प्रोग्राम शुरू तो जो एनर्जी आप भेजेंगे वही एनर्जी आपको मिलने वाली है यस और नो यस तो हमेशा हमारे अंतःकरण से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इंटरनल सिस्टम से वाइब्रेशन निकल रहा है अब हमें मेजर करना है कि हमें कौन से वाइब्रेशन सेंड करना है पॉजिटिव और नेगेटिव जब वाइब्रेशन रेडिएट हो ही रहे हैं तो हम क्यों ना पॉजिटिव करें राइट चलिए तो हम हमेशा देखें कि सबका भला हो सबका कल्याण हो सबके जीवन में सुख आए सबके जीवन में अच्छाई आए राइट तो अब हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे हाथ से नहीं करना है बस एक अंतःकरण से वाइब्रेशन शुद्ध करना है अब मैं एक वीडियो यहां पर वीडियो आएगा उसके अनुसार हमें पॉजिटिव थॉट को फीलिंग करना है चलिए सबका भला हो सबका तेरा मंगल तेरा सभी जो है एक साथ जो है फील करते जाएंगे साइलेंस रहेंगे और सब मन में बोलेंगे राइट मन में बोलना भी नहीं है जस्ट इसको सुनना है और वो थॉट रेडिएट करना है कि सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबका अच्छा हो जाए सब निरोगी हो जाए राइट चलिए मंगल तेरा मंगल हो रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे मंगल 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 जिस जननी अंतर निर्मल
राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, मंगल 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 इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे, मंगल 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 तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, मंगल सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। तो हम कौन सी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं? पॉजिटिव, डिवाइन, ब्लेस्ड। तो कौन सी वाइब्रेशन रिटर्न आएगा? वही रिटर्न आएगा, राइट? जो हम सेंड करेंगे वही रिटर्न आएगा। तो हर घंटे में एक मिनट परमात्मा से सबसे पहले वॉच करना है, कैसा है माइंड, कहाँ है, कैच करना है, मैच करना। आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, परमात्मा की एनर्जी को लेना है, फील करना है, फिर रेडिएट करना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, पूरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स डिवाइन हो रहे हैं, सबके मन शांत हो रहे हैं, पीसफुल हो रहे हैं, सब पावरफुल हो रहे हैं, सब इम्पावर हो रहे हैं, घर के वाइब्रेशन चार्ज हो रहे हैं, पूरे मोहल्ले के वाइब्रेशन, पूरी सिटी के वाइब्रेशन, पूरे स्टेट के वाइब्रेशन, पूरा कैलिफोर्निया चार्ज हो चुका है, परमात्मा की गॉड्स हीलिंग रेस से चार्ज हो चुका है, फील करेंगे। तो जो आप वाइब्रेशन भेजेंगे, जिन जिन सोल्स को वो वाइब्रेशन रिसीव होंगे, उनसे अपने आप ब्लेसिंग, दुआएं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रिटर्न में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, और आपको और अच्छे फीलिंग होगी, तो और अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे, फिर और वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो और अच्छा वाइब्रेशन, मतलब आपके अकाउंट में वो जमा होते जाएगा, और आपका वाइब्रेशन के कारण, आपकी पॉजिटिविटी के कारण आप और स्ट्रांग बनते जाएंगे और अच्छे बनते जाएंगे, राइट? तो आपको इस प्रकार से you will have to use this vibration, positive vibration technique. First you will use WCM, watch, catch, match, and then feel the vibration of God, take energy from the Supreme Soul and feel the full charging. You are charging your head, you are charging your eyes, and you are feeling the vibration is coming from God, and you are charging your full body and mind, right? And then once you will charge fully, then you can radiate the positive vibration all around your family, for your family, for your city. Any, you can use any target for sending the vibration. Okay, तो आप कोई भी vibration को कहीं पर भी use कर सकते हैं। चलिए, तो हमने बहुत अच्छे से किया आज, सबको कैसा feel हुआ? If you have any question, you can ask. Okay. If you have any question, you can ask. So, today we got one important point. If we will change our thought, we can change our vibration. And once we change our vibration, our life will be changed. What we will have to send, what we will have to throw, only we will have to send, we will have to throw positive vibration. We should only radiate positive vibration, right?
If we will send negative vibration, we will receive negative vibration. If we will send negative ball, we will receive negative ball. If we will send happiness, we will receive happiness. If we will send peace, we will receive peace. So what you want, you will have to send, right? Okay. If you have any question, you can ask in chat also, and you can unmute your mic. जी पूछ सकते हैं शीला जी जी हमें अनम्यूट किया है आपका माइक पूछ सकते हैं जी ओम शांति भाई जी जो हम जब हम कर रहे थे मेडिटेशन बाबा की प्रकाश की किरणें हम पर पड़ रही है जो म्यूजिक प्ले हो रहा था और वो कितनी देर का है जैसे हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं सिस्टर को हमें बहुत अच्छा लगा वो वाला हाँ या वी कैन अभी हम कंटिन्यूअसली जुड़े भी रहेंगे वी विल कंटिन्यूअसली अभी एक दो और सेशन होने वाला है और वी विल फॉरवर्ड टू सिस्टर आल्सो ओके इट्स अ वन आवर्स का भी है 15 मिनट्स भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन ओके थैंक यू ओम शांति भाई जी 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 ओसीडी के लिए कैसे इसको यूज करना है मैं काफी दिन से इसको कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं पा रही हूँ जिस इंसान ने मुझे ये बोला था कुछ निगेटिव जानती हूँ वो भी निगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा था वो ज्ञान तो मुझे है लेकिन उस पर मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ देखिए जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है वो तो ट्रीटमेंट करिए बट ट्रीटमेंट के साथ आप जो फिजिकली जो हीलिंग लेंगे आप पॉजिटिव हीलिंग लेंगे फील द वाइब्रेशन फ्रॉम गॉड एंड वो पार्ट में वो परमात्मा की एनर्जी ब्रेन में आ रही है और पूरे बॉडी को हील कर रही है और जो भी नेगेटिव पैचेस है नेगेटिव ब्लॉकेज है वो हील हो रहे हैं तो फिजिकल ट्रीटमेंट तो नेसेसरी है उसके साथ साथ हीलिंग भी लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा जी पहले भी मैं 9 months का ट्रीटमेंट ले चुकी थी तो जब तक वो मेडिसिन चल रहा था तब तक तो इफेक्ट था लेकिन पॉजिटिव लेते रहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन भी लेते रहिए मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है ना सदा आपको लेते रहना है और वो ट्रीटमेंट तो अपनी जगह कार्य करेगा और हीलिंग अपनी जगह कार्य करेगी जब हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे रिजल्ट और फास्ट आएंगे रिकवरी और फास्ट होगी जी एक क्वेश्चन है जब हम परमात्मा की एनर्जी को फील करते तो हमें विजुलाइज व्हाइट लाइट करनी है कि ब्लू लाइट नहीं लाइट का कोई कंसर्न आप व्हाइट लाइट कर सकते हैं परमात्मा की लाइट व्हाइट है और व्हाइट से ही सारी लाइट्स बनती हैं तो व्हाइट लाइट को आप कर सकते हैं बढ़िया व्हाइट लाइट ही फील करिए और ब्लू लाइट का तो जस्ट एक दिखाया हुआ है पर आप व्हाइट लाइट को फील करिए परमात्मा की शक्तियां क्योंकि सूक्ष्म बतन भी आप देखेंगे व्हाइट है ना और परमात्मा की शक्तियां व्हाइट और व्हाइट से ही सारे कलर जो है वो बनते हैं सेवन कलर्स बनते हैं थैंक यू मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मुझे टेंशन ज्यादा हो जाता है तो नींद नहीं आती है तो ये वाइब्रेशन देने से मेरे को उससे कुछ फर्क पड़ेगा दवाई 100% आप सबसे पहले आपको जो टेक्निक बताई है WCM वॉच करना है अपने माइंड को कैच करना है मैच करना है जैम जरूर लगाना है ना इफ यू विल नॉट यूज जैम टेक्निक अदरवाइज अवर माइंड विल बी जाम हिंदी में कहते हैं जाम हो जाएगा इफ यू विल नॉट यूज जैम योर माइंड विल बी जाम ठीक है तो जाम को बचाना है आपको ट्रैफिक जैम से बचना है तो जैम टेक्निक यूज करना पड़ेगा जस्ट अ मिनट हर घंटे में एक मिनट यूज करिए इस टेक्निक को जस्ट यूज करिए हर घंटे में एक मिनट वॉच कैच मैच और परमात्मा की हीलिंग एनर्जी को लेना है क्यों आ रहा है टेंशन क्यों आ रही है क्योंकि थॉट पैटर्न में कुछ किसी बात को लेकर आपने कुछ बात पकड़ी है या किसी की बात आपको बुरी लगी है या उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग वो बात नहीं कर रहा आपकी बात नहीं मान रहा इसके कारण ये हो सकता है एम आई राइट यस थैंक यू तो उसको क्या करना है आपको हर समय एक आप 21 डेज तक प्रैक्टिस करिए ठीक है हर घंटे में एक मिनट बस चेक करना है अभी यदि एक प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए हर घंटे में एक बार आप 7 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपके माइंड की और आप देखिए जी ट्रैफिक कंट्रोल तो किया हुआ है उससे फोन तो हर मिनट हाँ ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता जी कंट्रोल से उससे अच्छा लगता है ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा है वो यूज करिए हाँ उसको यूज करिए
और कंटिन्यूअस थोड़ा डिटरमिनेशन से यूज करिए 21 डे देन यू विल गेट रिजल्ट. थैंक यू जी. दीदी दीदी कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा. दीदी हाँ जी प्लीज. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. देखो कितना सुंदर सबने अनुभव किया. तो अभी और भी एक दो सेशन करने के हैं भाई जी के साथ, लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट आया है कि ट्यूसडे के बदली फ्राइडे को करें. आपका सैटरडे मॉर्निंग होगा भाई साहब. ठीक है ठीक है. तो मैं फिर आपको बताती हूँ. नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रखते हैं. ठीक है जी बिल्कुल. ओके ठीक है सभी को. क्योंकि बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि फ्राइडे को वीकेंड के नजदीक होता है ना, तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट ले सकेंगे. बिल्कुल परफेक्ट. ठीक है ऑलराइट. कहीं को छुट्टी भी होती है या फिर दूसरे दो दिन छुट्टी होती है ना, तो इजी हो जाता है. किसी का आज के सेशन में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस. अच्छा.